चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने रविवार को घोषणा की है कि वो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। उनकी घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। पटना के बापू सभाघर में जन सुराज अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पार्टी की नींव 2 अक्टूबर को रखी जाएगी और पार्टी की शुरुआत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पदाधिकारी के रूप में शामिल करके होगी। चुनावी रणनीतिकार ने यह भी बताया है, वो पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे बल्कि नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुने जाएंगे। प्रशांत किशोर ने आगे बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का विश्वास भी जताया। इस बैठक में 3 बड़े नाम जन सुराज अभियान में शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पौती डॉक्टर जागृति भी प्रशांत किशोर की उपस्थिति में शामिल हुई। पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। पहले जोर से बजा दें, जोर से ताली बजा दें। कल भाजपा का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता? किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं, ये बिहार के इन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे। दूसरी बात हमने कही, दिल्ली पुलिस ने रविवार को सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित राउज आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और केंद्र के समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन बाद जब 3 छात्रों के संस्थान के बाढ़ग्रस्त बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लापरवाही से मौत के अलावा गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर में कहा गया है कि बेसमेंट में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। दस्तावेज सामने आए जिनसे पता चलता है कि केंद्र के प्रबंधन ने बेसमेंट में एक भंडारण सुविधा के लिए अग्निशमन और नागरिक एजेंसियों से एनओसी मांगी थी और लाइब्रेरी के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। पुलिस अब तक लगभग 15 छात्रों के बयान दर्ज करेंगी जिन्हें बेसमेंट से बचाया गया था ताकि घटनाओं का क्रम स्थापित किया जा सके। प्राथमिक दृष्टि से प्रारंभिक आकलन के अनुसार मुख्य गेट के गिरने से बेसमेंट में बाढ़ आ गई थी, ये सत्य प्रतीत होता है। पुलिस ने कहा, जब एक एसयूवी तेज गति से सामने की बाढ़ग्रस्त सड़क से गुजरी तो पानी की लहर इमारत में घुस गई। एक वीडियो इस बात की पुष्टि करता है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन भारत की जोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला है। मनु ने 22 साल की उम्र में वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया और मेडल अपने नाम किया। मनु की शानदार जीत के बाद पहले पीएम मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। इसके बाद पीएम ने मनु को कॉल भी किया। पीएम मोदी ने कहा, हेलो मनु, मैं आपको अभिवादन बहुत बहुत बधाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी सफलता की खबर सुनने के बाद और अच्छा हूँ। आप कुछ पॉइंट्स रह गए लेकिन आपने पूरे देश का नाम रोशन किया। आप पहली महिला हो जो देश के लिए मेडल लेकर आई हो, मेरी तरफ से बधाई आपको। मुझे विश्वास है कि आप आगे बहुत अच्छा करोगे। बाकी सब साथी ठीक हैं वहाँ? इस पर मनु ने कहा, सब ठीक है, आपको नमस्ते भी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमने पूरा प्रयास किया कि खेल की दृष्टि से हमारे खिलाड़ी जो वहाँ हैं उन्हें पूरी व्यवस्था मिले। मनु ने कहा, इस पर सारे प्रयास सफल रहे आपको। फिर पीएम ने कहा, घर पर बात हुई है आपकी या नहीं? इसका जवाब देते हुए मनु ने कहा, नहीं सर अभी तो नहीं हुई है, शाम को जब रूम पर जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। फिर पीएम ने कहा, चलिए ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद है। नमस्ते, मैं प्रधानमंत्री जी की कार्यालय से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बात करके मैं दे रहा हूँ। जी नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से, आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद उत्साह और आनंद में हो। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया,
जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया है, आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांसे पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं है, ठीक है सर? वहाँ सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कम्फर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, नमस्ते सर। वाराणसी में अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर जमकर गर्जा। आज इसकी सीधी तस्वीर तब देखने को मिली जब वाराणसी के वरुणा नदी क्षेत्र के दो आलिशान होटल पर ध्वस्तीकरण कार्यवाही के लिए वीडीए का बुलडोजर पहुंचा। जानकारी प्राप्त होने तक वाराणसी के बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर बुलडोजर कार्यवाही की गई। इस दौरान वीडीए ने स्पष्ट किया कि 2016 में ही इस मामले को लेकर होटल के मालिक को नोटिस दे दिया गया था। इसके अलावा भी उन्हें अनेक माध्यम से लगातार अवगत कराया जा रहा था। हालांकि होटल के मालिक का कहना है कि आनन फानन में बुलडोजर कार्यवाही की गई। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान होटल मालिक और एडीएम सिटी आलोक वर्मा के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान एडीएम सिटी ने अपना आपा खो दिया और होटल मालिक को हेडशॉट में मारा, जिससे होटल मालिक चोटिल हो गए। इस दौरान होटल के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं रुकी और कई घंटे तक होटल वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर रावली कट के पास एक होंडा सिटी कार कांवड़ियों से टच हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। वीडियो में कार पर चढ़कर डंडे बरसाते तोड़फोड़ करते नजर आ रहे ये लोग कांवड़िये हैं। 27 जुलाई की दोपहर कुछ कांवड़िये गाजियाबाद के मुराद नगर के गांव रावली से गुजर रहे थे। गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर रावली कट के पास एक होंडा सिटी कार कांवड़ियों से टच हो गई। पुलिस वालों ने बताया कि कांवड़ का जल नहीं गिरा, लेकिन कांवड़ियों का आरोप था कि कांवड़ खंडित हो गई है। उन्होंने सड़क पर हंगामा करना शुरू किया, हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने डंडों से मार मार के पूरी कार तोड़ दी, कार को पलटा और उसमें बैठे ड्राइवर को बार में खींच लिया। कांवड़ियों ने ड्राइवर को भी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बलिया में जबरन वसूली के मामले में निलंबित होने के बाद फरार हुई नरही थाना प्रभारी को रविवार को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ जोन वैभव कृष्ण ने दी। उन्होंने बताया कि बलिया के नरही थाने में तैनात पन्नेलाल उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर नरही इलाके में ट्रक चालकों से कथित जबरन वसूली के मामले में वांछित था। पन्नेलाल की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 4 अभी भी फरार हैं। 25 जुलाई को कृष्णा ने पत्रकारों को बताया था कि पुलिस ने इस जिले के नरही इलाके में यूपी बिहार सीमा पर पुलिसकर्मियों द्वारा चलाए जा रहे अवैध वसूली रॉकेट का भंडाफोड़ किया गया। मामले में 2 पुलिस वाले और 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में ये कोटाडी पुलिस चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों और नरही थाने के SHO को निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा,
वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिस कर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके दो पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, दो कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, तीन पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया, तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है, और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया। रविवार शाम को भारी उद्योग और इस्पात के केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके नाक से खून बहने लगा। JDS सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री का पूरा चेकअप किया गया और उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वो खून को पतला करने वाली दवाओं पर हैं और संभवतः नाक में दरारों के कारण खून बह रहा था। चूंकि उन्हें हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, इसलिए हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। सभी परीक्षण किए गए और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई, पार्टी के सूत्रों ने कहा। इससे पहले जब वो भाजपा के साथ समन्वय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उनकी नाक से खून बहने लगा, जबकि वो जारी रखना चाहते थे। उनके बेटे निखिल कुमार स्वामी ने स्थल छोड़ने और सीधे अस्पताल जाने पर जोर दिया। न्यूयॉर्क के पार्क में सामूहिक गोलीबारी में एक की मौत, 6 घायल। हिजबुल्लाह के हमले से दहला इसराइल, बच्चों के शव देख विचलित हुए लोग, अमेरिका से लूटेंगे नेतन्याहू। पीएम मोदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से पहली बार मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा की। कोचिंग सेंटर के CEO सहायक को छात्र मौतों के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसियो डेकोरेटिव सर्फेस, अक्रिलक, इंटीरियर क्लैड्स, नूरानी लिबास, रेडीमेड टेक्सटाइल्स, स्टिचिंग। ईवर्स, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।